हेलो दोस्तों, मेरा किश आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो पे। दोस्तों जैसा कि आपने ऊपर टाइटल और थंबनेल पे देखा, बिल्कुल ही सही देखा और सही पढ़ा दोस्तों। अगर आप एक एयरटेल रिटेलर हो और अगर आप यहाँ पे एयरटेल का सिम चालू करते हो मित्रा ऐप एप्लीकेशन का यूज करके और FR यूज करते हो, अगर आप यहाँ पे सिम चालू करते हो तो FR प्लान FR 299, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल और नॉलेजफुल भी होने वाला है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर जो ऑफर बेनिफिट था कस्टमर का, वो यहाँ पर इस पर कुछ चेंजिंग किया गया है, कुछ अपग्रेड किया गया है इसके अंदर। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा 14 GB डेटा दिया है, वो डेटा आप कैसे ले सकते हो, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो पे बने रहना। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, आइए वीडियो को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप एयरटेल का सिम चालू करते हो और ये जो सिम चालू करते हो, आप यहाँ पर एयरटेल का MNP सिम चालू करते हो, MNP पोर्ट करते हो किसी भी अदर ऑपरेटर का सिम कार्ड को, जैसे कि यहाँ पर जियो का सिम कार्ड को एयरटेल में पोर्ट करते हो, या यहाँ पर आप जो है VI BSNL किसी भी अदर ऑपरेटर का सिम कार्ड को एयरटेल में MNP करते हो, पोर्ट करते हो और FR यूज करते हो FR 299, और बाय द वे यहाँ पर आपका जो है बैलेंस यहाँ पर नहीं होता है। आप यहाँ पे बैलेंस नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि यहाँ पर FR को स्किप कर देते हैं। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था, मेरा जो है यहाँ पर मित्रा ऐप एप्लीकेशन पे बैलेंस नहीं पड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर सडनली यहाँ पर जो है मेरे शॉप पर एक ग्राहक आ गया और उसे यहाँ पर करवाना था जियो से एयरटेल में MNP। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो है पोर्ट यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया यहाँ पर MNP का, लेकिन यहाँ पर बैलेंस नहीं होने की वजह से मैं यहाँ पर FR बुकिंग यहाँ पर यूज नहीं किया और यहाँ पर FR को स्किप कर दिया। FR स्किप करने के बाद यहाँ पर जो है ग्राहक का MNP पोर्ट तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन यहाँ पर मैंने रिचार्ज नहीं किया क्योंकि मेरे जो है दिमाग से वो उतर गया था कि यहाँ पर कस्टमर ने टेली वेरिफिकेशन भी कर लिया है, सिम चालू भी हो गया है। तो कुछ दिन होने के बाद यहाँ पर जो है ग्राहक मेरे शॉप पर आया कि यहाँ पर जो है मेरा सिम तो चालू हो गया, लेकिन यहाँ पर जो आपने बोला था 1 महीने का फ्री रिचार्ज, वो यहाँ पर मेरे को मिला नहीं है। तो मैंने बोला उनसे यहाँ पर सॉरी, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरे से ये बाय मिस्टेक हो गया है और यहाँ पर मैं रिचार्ज जो है नहीं किया क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं था, यहाँ पर जो है माइंड से उतर गया था। तो मैं यहाँ पर रिचार्ज जब करने गया तो यहाँ पर आप बिलीव नहीं करोगे कि यहाँ पर जो कस्टमर का बेनिफिट है उसमें यहाँ पर मैंने कुछ चेंजिंग देखा, कुछ अपग्रेड देखा, जो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपके साथ भी इस तरह का यहाँ पर आपको जो है अपग्रेड देखने को मिल रहा है तो आप बताना मेरे को। यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, यहाँ पर जो बेनिफिट है, यहाँ पर बेनिफिट में कुछ बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो बदलाव देखने को मिल रहा है मेरे को, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है डेटा में लेकर। यहाँ पर जो डेटा है वो यहाँ पर पहले मिलता था 1.5 GB डेटा। अगर आप यहाँ पे नोटिस किए होंगे तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब आप एक्टिवेशन करते हो तो वहाँ पर शो करता है यहाँ पर 1.5 GB डेटा 299 FR पे। तो मैं यहाँ पर बिलीव नहीं किया जब इस तरह का ऑफर मेरे के सामने यहाँ पर जो है ग्राहक का शो किया। यहाँ पर आप जो देख सकते हो पूरा साफ साफ, यहाँ पर अनलिमिटेड कॉल यहाँ पर 100 SMS रोजाना दिया जा रहा है और जो डेटा दिया जा रहा है वो यहाँ पर 2 GB डेटा दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 2 GB डेटा दिया जा रहा है। और अगर यहाँ पर कस्टमर के पास 5G हैंडसेट है और उसके एरिया में 5G नेटवर्क है तो वो अनलिमिटेड डेटा का मजा ले सकता है, लेकिन यहाँ पर कस्टमर के पास अगर 4G हैंडसेट है तो यहाँ पर कस्टमर ले सकता है यहाँ पर एक्स्ट्रा 14 GB एक्स्ट्रा डेटा वहाँ पर जो है कस्टमर को दिया जा रहा है। 14 GB एक्स्ट्रा डेटा इस तरह से दिया जा रहा है क्योंकि ये प्लान बेनिफिट जो दिया जाता है कस्टमर को वो यहाँ पर 28 दिनों के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर रोजाना यहाँ पर जो है 500 MB एक्स्ट्रा डेटा दिया जा रहा है, तो यहाँ पर 500 MB एक्स्ट्रा डेटा दिया जा रहा है, तो यहाँ पर 28 दिन में 14 GB यहाँ पर टोटल एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पर कस्टमर को मिल रहा है। तो क्या आपके साथ भी इस तरह का यहाँ पर शो कर रहा है आपको, यहाँ पर जब कस्टमर का जो है FR स्किप कर दे रहे हो, या यहाँ पर जो है कस्टमर का MNP करके आपने रिचार्ज नहीं किया है या रिचार्ज करने जा रहे हो, तो आपके साथ इस तरह का यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल रहा है बेनिफिट कस्टमर का या फिर नहीं, वो आप नीचे कॉमेंट करके बताना। मेरे साथ यहाँ पर देखने को मिला, जो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइव प्रूफ 2 GB यहाँ पर डेटा दिया जा रहा है दोस्तों। तो इसी को लेकर मैं आपको जो है बताने वाला था कि यहाँ पर जो है 299 FR पे क्या कुछ यहाँ पर चेंजिंग किया गया है। अगर आपके साथ भी इस तरह का नजर आ रहा है आपको तो आप नीचे कमेंट करके बताना और इस वीडियो को रिटेलर के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।